डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास थ्री का हिंदी का ये क्वेश्चन है। जिन बच्चों का अगर हिंदी ना हुआ हो तो वैसे बच्चों को ये क्वेश्चन काम आ सकता है, और अगर हो गया हो फिर भी काम आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करने के लिए। जो बच्चे अभी टू क्लास से थ्री क्लास में जाएंगे वे बच्चे इसको देख के एक आइडिया ले सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक पोयम से क्वेश्चन दिया गया है। ये पोयम जो है आपको पीछे तरफ होगा, तो इसका 8 पंक्तियाँ लिखने के लिए कहा गया है, जिसके लिए आपको 10 नंबर्स मिलेगा। और फिर यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक वाइक में आंसर देना है, मतलब ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है आपको। इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे 6 7 7 क्वेश्चन दिया गया है, आप इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, उसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और यहाँ भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें से आप इसमें से भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो उस अनुसार से आपको यहाँ पे जवाब देना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये लास्ट पेज है। यहाँ पे ये वर्ड्स जो दिया हुआ है इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियाँ हैं वर्तनी, इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपको इसको सही करके लिखना है। 5 वर्ड्स है तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हमारा विद्यालय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखें। हमारा विद्यालय अक्सर ही दिया रहता है, इंग्लिश में भी आवर स्कूल और हिंदी में हमारा विद्यालय अक्सर ही दिया रहता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आपको इसको याद करके रखना होगा। 10 पंक्ति इसके बारे में लिखना है, 10 नंबर्स मिलेंगे। अपनी दिनचर्या के संबंध में पिताजी को पत्र लिखें, इस तरह से एक पत्र आपको लिखना है। और याद रखना है कि इस तरह का पत्र जो है सब्जेक्ट सिर्फ बदल जाएगा, और पत्र कैसे लिखा जाता है यह जानकारी रखना है। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद निर्देश अनुसार इसका आंसर देना है। संधि की परिभाषा एवं उसके भेद लिखें। देखिए, थ्री क्लास में जो है संस्कृत इसका व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बुक में दिया होगा, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद 6 नंबर में शब्दार्थ लिखें। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। संधि विच्छेद करें, देखिए यहाँ इसमें भी 3 वर्ड्स दिया हुआ है, इसके लिए भी 3 नंबर्स मिलेंगे। और मुहावरों के अर्थ लिखें, कई मुहावरे बुक में दिए हुए हैं तो इसका ये भी बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेगा। और लिंग निर्णय करें, इसमें से कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है यह बतलाना है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।